गन्ने का जूस भी पिया, वो भी अच्छा था। देखो फूड बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा और रीजनेबल रेट पे सर्टिफाइड है। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे धमधम लेक को थोड़ा सा डेवलपमेंट किया जाए। ठंड का मौसम होगा, बढ़िया बढ़िया पर्यटक आएंगे, आपको दिक्कत ही नहीं, लोगों का एकमात्र स्थान है। दिल्ली NCR में लगातार 3 दिनों तक हुई बारिश से भले ही लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस बारिश ने सोहना के दमदमा झील को जरूर पानी से लबालब कर दिया है। झील में पानी भरने की वजह से जहां एक तरफ झील की सुंदरता बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ यहां पर आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। बारिश खत्म होते ही पहले संडे को दमदमा झील पर पहुंचे पर्यटकों ने जहां झील में बोटिंग करके झील का नजारा देखा, वहीं यहां पर लगाए गए विभिन्न प्रकार के एडवेंचर एक्टिविटी का जमकर लुत्फ उठाया। फर्स्ट टाइम आए हम दिल्ली से जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो क्या क्या आपने एक्टिविटी की? बोटिंग करी, साथ में हमने गन्ने का जूस भी पिया, वो भी अच्छा था। देखो फूड बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा और रीजनेबल रेट्स पे जी। और अभी हमने रोप किया, रॉक क्लाइंबिंग करी और कैमल राइड भी करी अभी हमने। अच्छा फील कर रहे हैं, बट हाँ कुछ और एक्टिविटीज होती तो और बेटर था। हाँ किस तरह की एक्टिविटी? जैसे हमने ट्यूबवेल देखा था, वो ट्राई करना चाहते हैं, वो इतना क्लीन नहीं है, अभी क्लीन नहीं है, बट हाँ कह रहा अभी बन रहा है तो अच्छा हो ही जाएगा आने वाले टाइम में। बाकी क्लाइमेट के हिसाब से आए तो थोड़ा रेनी सीजन है तो अच्छा, मतलब आना है, गर्मी नहीं है उतनी। अरावली पहाड़ी की तलहटी में बनी दमदमा झील की सुंदरता को और चार चांद लगाने के लिए यहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रकार के एडवेंचर एक्टिविटीज शुरू की गई, ताकि दूर दराज से झील पर घूमने के लिए आने वाले लोग वोटिंग करने के साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटी का भी लुत्फ उठा सके। टीम सर्टिफाइड है। हम लोग सोच रहे हैं कि यहां पे दमदमा लेक को थोड़ा सा डेवलपमेंट किया जाए कि यहां लोगों को एक्टिविटी मिल सके, उस हिसाब से हमने यहां पे एक्टिविटी लगाई है। किस तरह का एडवेंचर आपका है? एडवेंचर जैसे जिपलाइन है, वर्मा ब्रिज है, कमांडो ब्रिज है, डबल रोप ब्रिज है, कमांडो नेट है, जो है मोगली वॉक है, जिपलाइन है। अब जिपलाइन हमने पहले छोटी थी, हमने और बड़ी लगाई है जी। तो कितने लोग यहाँ पे आ जाते हैं? यहाँ पे वीकेंड में चलता है सर, जो वीकेंड में सैटरडे संडे। हाँ जी सैटरडे संडे। अच्छा, बाकी अभी लेक में पानी आ गया तो अब थोड़ा सा पब्लिक आएगी। जो है लेक में पानी ठीक आ गया? हाँ, करीब 20 साल के बाद में इतना पानी आया है। दमदमा झील टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के मैनेजर की माने तो झील में पानी नहीं रहने के कारण पर्यटकों की संख्या घटने लगी थी, लेकिन जैसे ही बारिश के बाद झील में पानी आया वैसे ही पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी। झील के पानी से लबालब होने पर यहां पर और वोट मंगाई जा रही है, जिसके बाद काफी पर्यटक एक साथ झील में वोटिंग करके लुत्फ उठा सकेंगे। इसके अलावा यहां पर खाने के लिए रेस्टोरेंट है, जिसमें अनेक प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, साथ ही बार भी बनाया गया है। ठहरने के लिए हरियाणा टूरिज्म की तरफ से अच्छे कमरों की अच्छी व्यवस्था की गई है, ताकि झील पर आने वाले किसी भी पर्यटक को कोई परेशानी न हो और अरावली की हसीन वादियों के बीच बनी इस झील का लुत्फ उठा सके। जैसे बारिश हुई है, अभी जो पहला ही संडे है, आज दिन में भी जो है थोड़ा बारिश का मौसम सा हो गया था, लेकिन अब वैसे ठीक है। बाकी अब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी जी, तो और फैसिलिटीज भी बढ़ेंगी अभी, और उसका जो है बोटिंग का भी, और नई बोटिंग आ रही है, बोट आ रही है, और बाकी जो वैसे भी जो है इस टाइम पानी नहीं था, अब पानी आ गया, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ोतरी मानी जाए बारिश के बाद? सर बढ़ोतरी सब सीजन आया, इसका पीक सीजन तो चली गया, जैसे जैसे गर्मी अब कम हो जाएगी, अब ठंड का मौसम होगा, बढ़िया बढ़िया पर्यटक आएंगे, आपको दिक्कत ही नहीं है, लोगों का एकमात्र स्थान है ये गुड़गांव के पास जी। तो अगर खाने पीने को लेकर बात की जाए, हमारे पास रेस्टोरेंट है, बार है, रूम्स हैं, हम पैकेज भी बनाने जा रहे हैं अभी, बहुत बढ़िया जी बात हुई है मेरे हिसाब से हमारे, तो इसलिए जो है पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी सर। बता दें कि काफी समय से झील के अंदर पानी नहीं होने के कारण अपना अस्तित्व खोती जा रही दमदमा झील के दिन एक बार पानी भरने से फिर से बदलने लगे हैं। अरावली की हसीन वादियों के बीच पहाड़ी की तलहटी में बनी झील में वोटिंग करने के लिए, इस झील का नजारा देखने के लिए देश की राजधानी दिल्ली सहित दूर दराज के राज्यों के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों तक के सैलानी यहाँ पर आते हैं। लेकिन टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर यहाँ ग्रामीणों की बसावट होने के कारण सुअर, आवारा कुत्ते और पशु घूमते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर गंदगी पसरी रहती है जो इस झील की सुंदरता पर ग्रहण लगा रही है। ऐसे में जरूरत है हरियाणा सरकार के पर्यटक विभाग को इन पर रोक लगाने और यहाँ पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की, ताकि इस झील की सुंदरता पर चार चांद लग सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पर्यटक विभाग द्वारा इस पनपती गंदगी का अंत करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं।
हरियाणा प्रधान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।